बॉलीवुड बिग बजट फिल्मों पे हमेशा हेवी वीएफएक्स यूज किए जाते हैं और इन सब फिल्मों का बजट का ज्यादा पैसा वीएफएक्स पे ही खर्च होता है। दोस्तों, बॉलीवुड का टॉप 3 हाई बजट वीएफएक्स वाला फिल्मों के बारे में जानने के लिए सुशांत तक की वीडियो जरूर देखिए और एक लाइक भी करिए। नंबर 3, क्रिश 3। और 2013 में हैंडसम हंक ऋतिक का सुपर हीरो फिल्म आई क्रिश 3, जहाँ पर ऋतिक के साथ विवेक ओबेरॉय प्रियंका लीड रोल में नजर आई है और इसमें कृष्णा और इविल जीनियस काल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखाई है और इस फिल्म पर जो वीएफएक्स और ग्राफिकल इंटरफेस यूज की गई है वो काफी माइंड ब्लोइंग था और ऐसे करके ये फिल्म इंडिया का सबसे बेस्ट सुपर हीरो फिल्म बन गई है। और अगर वीएफएक्स की बात करूँ तो जहाँ पर इस फिल्म का टोटल बजट था 100 करोड़, वीएफएक्स पे ही लगभग 40 करोड़ का खर्च हुआ है और इसे वीएफएक्स का काम किया है बादशाह शाहरुख खान का कंपनी रेड चिलीज वीएफएक्स कंपनी ने। और जहाँ पर यह फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 375 करोड़ का कलेक्शन किया है, ऐसे करके रहा ब्लॉकबस्टर। नंबर 2, रावण। यान की रावण फिल्म बॉलीवुड का सेकंड ऐसे फिल्म है जहाँ पर वीएफएक्स पे एक ह्यूज पैसा खर्च की गई है और ये 2011 में आई सुपर हीरो फिल्म जहाँ पर शाहरुख खान, आर्मन वर्मा, करीना कपूर लीड रोल में सही है और पूरे फिल्म ही वीएफएक्स और वीएफएक्स पे ही छाई हुई है, जहाँ पर रावण का फेस बॉडी पीस पीस हो जाते हैं और फिल्म का एंट्री सीन गेमिंग वर्ल्ड हर एक सीन पर वीएफएक्स का कमाल नजर आता है। और रावण एक एक्चुअल ऐसी फिल्म है पूरे इंडिया का जहाँ पर हाई बजट के साथ बिग स्केल पर वीएफएक्स को की गई है यूज, जहाँ पर फिल्म का बजट था 130 करोड़, इसी बजट से लगभग 70 करोड़ वीएफएक्स पर ही खर्च हुआ है और इसका वीएफएक्स पे काम किया है क्रिश 3 की तरह रेड चिलीज वीएफएक्स कंपनी ने। और बता दोस्तों, जहाँ पर इस फिल्म पे टोटल वीएफएक्स शॉट यूज की गई है 3400 शॉट और रावण फिल्म वर्ल्ड वाइड पर 206 करोड़ का कलेक्शन दिया है और ये रहा एवरेज। नंबर 1, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। और 2022 का रिसेंट रिलीज फिल्म ब्रह्मास्त्र और जो बॉक्स ऑफिस तोड़कर अभी कलेक्शन कर रही है और रणबीर का ये फिल्म दूसरा सारे बॉलीवुड फिल्म को वीएफएक्स की मामला पे पीछे छोड़ दिया है और ब्रह्मास्त्र फिल्म अभी वीएफएक्स मास्टरपीस फिल्म बन गई है, जहाँ पर विजुअली जो लाइटिंग, फायर एलिमेंट और साथ में अस्त्र को प्रेजेंट की गई है वाकई ही वो सारी चीजें फिल्म को एक हाई लेवल पे ले जाते हैं। जहाँ पर इस फिल्म का बजट था लगभग 410 करोड़, यानी कि फिल्म इंडिया का वन ऑफ द बिग बजट फिल्म है। और अगर वीएफएक्स की बात करूँ तो इस फिल्म का वीएफएक्स पे लगभग 200 करोड़ खर्च हुआ है और रेड चिलीज नहीं बल्कि इसका वीएफएक्स पे काम किया है इंडिया का कंपनी प्राइम फोकस कंपनी, जहाँ पर इंडिया, नॉर्थ अमेरिका और लंदन का आर्टिस्ट ने काम किया है, यानी कि फिल्म का हाफ पैसा ही वीएफएक्स पे खर्च की गई है और इस फिल्म पर 4000 वीएफएक्स शॉट की गई है यूज। और अगर कंपेयर की जाए हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स एंड गेम के साथ तो फिर एवेंजर्स का वीएफएक्स पे शॉट था 3000 शॉट, यानी कि ब्रह्मास्त्र वीएफएक्स का यूज पे ग्लोबली एक रिकॉर्ड किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रह्मास्त्र टीम को। और टोटल 5 डेज का ब्रह्मास्त्र का कलेक्शन की बात करूँ तो ये फिल्म वर्ल्ड वाइड पर 265 करोड़ का तगड़ा कलेक्शन दिया है और ऐसे ही चलता रहा तो ब्रह्मास्त्र श्योर शॉट एक ब्लॉकबस्टर का रोड पर होगा। तो आपको क्या लगता है, ये फिल्म अपनी लाइफ टाइम पर कितना करोड़ का कलेक्शन करेगा और ब्रह्मास्त्र का वीएफएक्स आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और सभी बॉलीवुड और साउथ इंडियन सुपर हिट पाने के लिए मालिश अजीन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।